नए साल के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्वरोजगार योजना की शुरुआत कर प्रदेश के युवाओं और अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार देने की पहल की है। इस योजना का लाभ बेरोजगार युवाओं के साथ साथ प्रदेश के सफाई कर्मियों को भी मिल सकेगा। नए साल की शुरुआत होते ही उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार का तोहफा देने जा रही है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने गुरुवार को बताया कि अनुसूचित जाति के युवाओं को नए साल 2020 में योगी सरकार रोजगार के मौके देकर आर्थिक मदद की तैयारी कर रही है। डॉक्टर निर्मल प्रसाद ने पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से उद्योग से जुड़े छोटे व्यवसाय लगाने और रोजगार शुरू करने की अपील की। देखिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के जो बेरोजगार युवक हैं दलित, उनके लिए एक अभिनय योजना दी है व्यावसायिक संवाददाता के रूप में। यह योजना इन वर्गों के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि यह योजना जो है वह पूरी तरह से ब्याज मुक्त की योजना है। इसके अतिरिक्त इस योजना में सबसे एक विशेष बात यह है कि जिन लोगों ने हाथ से मैला उठाने का कार्य छोड़ा है, जो चिन्हित स्वच्छकार हैं, हम उनके प्रथम चरण में उनके भी 100 लोगों को इसमें समायोजित करने जा रहे हैं। तो यह देश में पहली बार हो रहा है कि हाशिए के सबसे कमजोर व्यक्तियों को इसमें हम संतृप्त कर रहे हैं। इस योजना के जरिए सफाई कर्मियों को भी लाभ देने की पहल की जा रही है। MS एक्ट यानी मैनुअल स्केवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत चुने गए सफाई कर्मी और उनके परिजनों में से 100 लोगों को योजना का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा। इस योजना से उत्तर प्रदेश के 500 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाएगा। इसे अगले वित्तीय वर्ष तक सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिंगरप्रिंट मशीन, स्वाइपिंग मशीन और इन्वर्टर खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी, जो कि ब्याज मुक्त होगी। वहीं प्रदेश में अनुसूचित जाति को योजना से जोड़ने के लिए 15 लाख रुपए तक के व्यवसाय की मदद दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।